गाइस मोटर ब्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो आज की वीडियो है ना गाइस काफ़ी मस्त होने वाली, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं हीरो की एक्सट्रीम 160R के बारे में, वो भी गाइस नियॉन कलर, जो कि काफ़ी मस्त लगती है, काफ़ी स्टैंड आउट करती है गाइस क्राउड में, काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है। और ये तो है ही प्रीमियम मॉडल, तो यहाँ पर आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो इसमें आप यानी आती है। तो हर एक फीचर के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, किस प्राइस में आपको ये बाइक देखने को मिलने वाली। मेन तो वही है ना गाइस कि आपको यहाँ पर रोकड़ा कितना पे करना पड़ेगा इस बाइक के लिए। तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ और यहाँ पे आप इसकी पहले लुक्स चेकआउट कर लो। काफ़ी मस्त लगती है गाइस, इतनी मस्कुलर आपके यहाँ पर लुक्स देखने को मिल जाती है ना, काफ़ी प्यारी लगती है। ऊपर में यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह उसके नीचे आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, वो भी क्रोम फिनिश में 3D में, जो कि काफ़ी मस्त लगती है। और इसकी हेडलाइट है ना गाइस काफ़ी प्यारी आपको देखने को मिल जाती है, बहुत मसल इसमें ऐड किए गए हैं, ये आप देख रहे हो ना कितनी मस्त लगती है। और इसमें ना गाइस आपको स्पार्कलिंग फिनिश देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम टच दे देती है। और इसकी हेडलाइट की तो क्या ही कहना गाइस, बहुत मस्त लगती है। यहाँ पर आपको DRS देखने को मिल जाते हैं। और इसकी हेडलाइट की अभी आप लुक्स चेकआउट कर लो पूरी, जब ये ऑन होगी ना तो ऐसे आपको यहाँ पर लुक्स देखने को मिल जाती है, रिफ्लेक्टर टाइप आपको यहाँ पर LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी मस्त लगती है। अब बात करें गाइस इसके ब्लिंकर्स की, तो वो भी आपको LED में ही देखने को मिल जाने वाले, जो काफ़ी प्यारी लगती है, इसे ना काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। अब बात करें गाइस अब इसके सस्पेंशन की ना, तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम, क्योंकि है तो ये प्रीमियम मॉडल ही, तो प्रीमियम सस्पेंशन ही मिलती है। KYB के आपको यहाँ पर सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, वो भी 37mm के गोल्डन कलर के आपको अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिलने वाले, जो काफ़ी मस्त है। और यहाँ पर आपको येलो रिफ्लेक्टर भी देखने मिल जाता है उस तरफ भी, जो काफ़ी प्यारी लगती है। बात करें इसके मडगार्ड की, तो यहाँ पर गाइस आपको ग्लिटरी फिनिश देखने को मिल जाने वाला, ग्रे शॉट आपको फिनिश देखने को मिल जाता है, लेकिन जो स्पार्कल ऐड किया गया है ना गाइस काफ़ी प्रीमियम बना देती है इस बाइक को। साथ ही आपको थोड़ी सी मैट फिनिश भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली, जो काफ़ी प्यारी लगती है। बात करें गाइस अब इसकी व्हील्स की, तो यहाँ पर आपको अलग देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी आपको नियॉन की आपको यहाँ पर इंसर्ट देखने को मिल जाते, 160R की ब्रांडिंग भी देखने को मिलने वाली है। बात करें गाइस इसके टायर सेक्शन की ना, तो वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी 100x80 17 इंच की, आपको यहाँ पे इसके टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाने वाली है, जो कि ठीक है गाइस, अच्छी खासी आपको यहाँ पे वाइड देखने को मिल जाती है। बात करें इसके लोड कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको 200 kg की लोड कैपेसिटी देखने को मिल जाने वाली इसके फ्रंट टायर की। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 150 km/h की आपको यहाँ पर टॉप स्पीड देखने को मिलने वाली इसके टायर की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेक्स की, यहाँ पर आपको कौन सी ब्रेक्स देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर आपको पेटल डिस्क देखने को मिल जाता है। साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 276mm की आपको यहाँ पर साइज़ देखने को मिल जाने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त है। और पेटल डिस्क होने का गाइज सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, ये ना बहुत जल्द ठंडी हो जाती है, जिससे आपकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस होगी ना काफ़ी मस्त आपके यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। और यहाँ पर आपको डुअल पिस्टन इसके ब्रेक्स कैलिपर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको ABS की ब्रांडिंग भी देखने को मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर आपको ABS देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त बात हो जाती है। एक सेफ्टी वाइज ना गाइज काफ़ी अच्छा फीचर देखने को आपका मिल जाने वाला है। चलते थोड़ी पीछे की तरफ, अब बात करें इसके टैंक की, तो यहाँ पर गाइस आप इसकी लुक्स चेकआउट कर लो पहले, देख रहे हो कितनी प्यारी लगती है, बहुत मस्त लगती है गाइस, जो ये भारी भरकम आपको जो मसल यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना काफ़ी मस्त बना देती है। क्लोज से बात करें तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी की बात कर लेते, तो यहाँ पर आपको 12 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। हीरो की आपको यहाँ पर नियॉन एंड ग्रे में आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि स्टिकरिंग में। और यहाँ पर आपको एक्सट्रीम की आपको 3D पैचिंग देखने को मिलने वाली है, जो कि सैटिन फिनिश और पियानो ब्लैक में आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त लगती है। और यहाँ पर आपको ग्रे एंड नियॉन ग्रीन की आपको यहाँ पे इंसर्ट्स देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त लगते गए, जो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना काफ़ी प्यारा देखने को मिल जाता है। थोड़ी नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको R160 की आपको पूरी ग्राफिक्स देखने को मिल जाने वाले हैं, वही नियॉन एंड ग्रे कलर के फिनिशिंग में, जो कि काफ़ी प्यारी लगती है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना गाइस, ये पूरा एक्सटेंड होकर आपको यहाँ तक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त लगता है। और यहाँ पर आपको ऑयल कूलर की भी आपको स्टिकरिंग देखने को मिलने वाली, जो कि काफ़ी प्यारी लगती है। और यहाँ पर आप देख लो आपको ना पियानो ब्लैक में आपको यहाँ पर फिनिश देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी प्रीमियम टच ये दे देती है। और यहाँ पर आपको जो मेटल या जो फ्यूल कैप देखने को मिल जाती है, वो भी आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको E20 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाने वाली है। थोड़ी नीचे की साइड आओगे गाइस, तो यहाँ पर आप इसकी इंजन चेकआउट कर लो, उससे पहले यहाँ पर आपको इंजन कॉल भी देखने को मिल जाता है, और 4V की आपको यहाँ पर यानी 4 valves की आपको नियॉन में आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर गाइस आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है, और ऊपर की साइड आपको रेडिएटर देखने को मिलने वाली है। और इसकी जो इंजन कैप है ना गाइस, उसके ऊपर में भी आपको ब्राउनी फिनिश देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी प्यारी लगती है। डिटेल में बात करें इसका इंजन की, तो यहाँ पर आपको 163.7 cc की सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve एयर ऑयल कूल BS6 Phase 2 E20 कंप्लाइंट आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिल जाने वाली है, जिसमें आपको पावर जो मिलती है ना गाइस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। 16.6 BHP की पावर देखने को मिलने वाली है, वो आपको मिलती है 8500 RPM में। ठीक है,
बात करें इसकी टॉर्क की तो वो आपको 14.6 न्यूटन मीटर की आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, वो आपको मिल जाएगी 6500 आरपीएम है। साथ ही इसकी गियरबॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड की गियरबॉक्स देखने को मिल जाने वाली है। जो गियर शिफ्टिंग मिलती है ना गाइस, काफ़ी स्मूथ देखने को यहाँ पर मिलने वाली है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर लैग महसूस नहीं होने वाली है। और यहाँ पर आपको हीरो की भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो काफ़ी मस्त लगती है। साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों आते हैं, साइड स्टैंड में आपको इंजन कट ऑफ सेंसर भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। थोड़ी पीछे आओगे तो यहाँ पर आपको जो फुटरेस्ट मिलते हैं वो आपको रबर पैड में देखने को मिल जाने वाले हैं, और जो रैपिलियन के लिए फुटरेस्ट मिलते हैं वो आपको एल्यूमिनियम फिनिश में देखने को मिल जाती है। जो क्वालिटी है गाइस काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आप इसके स्विंग आर्म भी चेकआउट कर लो, बॉक्स टाइप स्विंग आर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको टायर प्रेशर की स्टिकरिंग भी देखने को मिलने वाली है। साथ ही गाइस आप इसकी फ्रेम भी चेकआउट कर लो, यहाँ पर आपको ना डायमंड टाइप फ्रेम देखने को मिल जाती है, अंडरबोन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी मस्त बात है। और पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे जो चीज़ें मिलती है ना काफ़ी मस्त देखने को मिल जाने वाली है। ये वाला पार्ट आप देख रहे हो गाइस कितनी भारी भरकम लग रही है, बहुत मस्त लगती है, बहुत सारे मसल्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और यहाँ पर आपको हीरो की आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, ब्रांडिंग या फिर लोगो आप बोल लो। और यहाँ पर आपको जो सीट है उसे खोलने के लिए आपको की होल देखने को मिल जाता है, और ये जो आपको पूरा पार्ट देखने में वो आपको मैट फिनिश में देखने को मिल जाती है जो काफ़ी मस्त लगती है। बात करें गाइस जब इसकी सीट की तो सीट की जो कंफर्ट है ना गाइस काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाने वाली है। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको प्लेन फिनिश, यहाँ पर थोड़ी सी आपको टेक्सचरी फिनिश देखने को मिल जाती है, वाइट स्टिचिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और जो पिलियन की सीट है वहाँ पर आपको 160R की यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी में आपको यहाँ पर वर्क देखने को मिल जाता है जो काफ़ी मस्त लगती है। और यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको नियॉन ग्रीन की आपको यहाँ पर इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो इसे काफ़ी स्पोर्टी बना देती है। बात करें गाइस इसके पहले कम्फर्ट की तो यहाँ पर आप पहले वाइटनेस देख लो, काफ़ी वाइड आपको यहाँ पर सीट देखने को मिल जाने वाला। और पैडिंग में ना गाइस काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है राइडर के लिए, और पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सीट देखने को मिलने वाली है, वाइड भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको 795 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिलने वाली है। साथ ही इसी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो 165 mm की आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और वेट की बात करें ना गाइस तो 145 kg की आपको वेट देखने को मिलने वाली है जो कि काफ़ी मस्त है। जो पावर टू वेट रेशियो आपको यहाँ पर मिलेगी ना गाइस काफ़ी इंसेन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। ठीक है, अब बात करें गाइस इसके रेयर की तरफ तो यहाँ पर आप देख लो आपको ओपन चेन मिलती है, और जो चेन की जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, काफ़ी मोटी आपको काफ़ी थिक से आपको यहाँ पर चेन देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर सारी गार्ड देखने को मिलने वाला है, फुटरेस्ट नहीं मिलती है बस सारी गार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें गाइस इसके सस्पेंशन की तो यहाँ पर आपको रेड कलर की आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 7 स्टेप की आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट भी देखने को मिलने वाली है जो कि काफ़ी मस्त है। और यहाँ पर आपको एक फ्लैप भी देखने को मिल जाता है जिससे जो सस्पेंशन है ना उसमें आपको डस्ट एंड मड से काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाली है। अब बात करें गाइस इसके रेयर व्हील की तो मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ, तो ये आप चेकआउट कर लो, काफ़ी मस्त लगती है गाइस। जो डिज़ाइनिंग है ना काफ़ी प्यारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सेक्शन की आपको टायर देखने को मिल जाती है, 130/70 R17 की आपको यहाँ पर टायर देखने को मिलने वाली है। और यह जो टायर है ना गाइस नॉर्मल नहीं है, ये आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर कॉर्नरिंग में परफॉर्मेंस देने वाली है। साथ ही यहाँ पर गाइस इसके ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 220 mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाती है, नो ABS आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं, यानी कोई ABS नहीं मिलने वाली है, सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। और निसिन के यहाँ पर आपको सिंगल पिस्टन डिस्क के ब्रेक्स कैलिपर देखने को मिल जाते हैं। और इस तरफ गाइस आपको जो एग्जॉस्ट मिलती है ना काफ़ी मस्त देखने को मिल जाती है, छोटी सी है लेकिन जो इसकी जो लाउडनेस है ना काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एक बार मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ, ठीक है। कि जो एग्जॉस्ट है ना गाइस काफ़ी स्पोर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जो इसमें आपको जो ग्रंट और जो बेस मिलती है ना काफ़ी प्यारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको रेयर ब्रेक ऑयल देखने को मिल जाता है, और जो ब्रेक लीवर मिलती है रेयर वाली वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ ही थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है जिससे आपकी जो पैर है वो इंजन में टच ना हो, ठीक है। बात करें गाइस जब इसके रेयर सेक्शन की तो यहाँ पर आप इसके टेलर चेकआउट कर लो, काफ़ी मस्त लगती है। सबसे अच्छा गाइस इसको क्या पता है, इसके जो ग्रैब हैंडल्स है ना वो एकदम ऊपर की साइड आपको आते हुए देखने को मिल जाने वाले, जो काफ़ी प्यारी लगती है गाइस। जो बड़े बड़े जो सुपर बाइक्स होते हैं ना उस तरह के आपको यहाँ पर लुक्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी टेल लाइट है ना उसकी क्या ही बात करें, छोटी सी है गाइस, काफ़ी क्यूट लगती है, काफ़ी मस्त से देखने को आपको मिल जाने वाली है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग, और यहाँ पर आपको LED में इसके इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, और जो नंबर प्लेट लाइट मिलती है वो आपको हैलोजन में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं ना गाइस इसमें आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो हैंडल बार के पहले आप लुक चेकआउट कर लो, मैं आप इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ।
तो आपको जो वाइडनेस मिलने वाली है ना काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। जब आप इसमें बैठ के जब चलाओगे ना गाइस, जो आपको पोस्चर मिलने वाली है काफ़ी कंफर्टेबल आपको देखने को मिल जाने वाली है। क्लोज से बात करें तो यहाँ पर गाइस आप इसके हैंडल बार चेकआउट कर लो, यहाँ पर आपको जो स्विचेस मिलते हैं ना काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के देखने को मिलने वाले हैं। जो क्लच लीवर मिलती है काफ़ी लाइट आपको देखने को मिल जाने वाली है। जो यहाँ पर आपको पास की स्विच देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको हाई बीम एंड लो बीम करने की स्विच, उसके नीचे आपको टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे आपको हॉर्न देखने को मिलने वाली है। सिंगल हॉर्न आती है तो एक बार इसकी साउंड भी सुनना तो बनता है। अच्छी खासी आपको यहाँ पर लाउडनेस देखने को मिल जाने वाली है। थोड़ी सी ना गाइस अगर बेस ज़्यादा होता ना इसकी साउंड में तो काफ़ी मज़ा आ जाता है, लेकिन ठीक है गाइस आपको डिसेंट इसकी साउंड देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है, फ्रंट ब्रेक ऑयल, इंजन की स्विच विद स्टार्ट और हैजार्ड की स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और अब बात कर लेते हैं गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो यहाँ पर आपको वही सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलने वाला है। जो आपको 300cc मिलती है ना वैसी वाली आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाते हैं, जो कि LCD नेगेटिव टाइप आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। अब इसमें आपको क्या क्या मिल जाती है, तो ऊपर की तरफ आपको टेकोमीटर, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, उसके नीचे आपको क्लॉक एंड यहाँ पर आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। दो बटन्स मिलते हैं गाइस मोड एंड सेलेक्ट का, तो यहाँ पर आप जो मोड का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर देख लो ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड ओडम आप स्विच कर पाओगे, और सेलेक्ट का बटन से प्रेस करके आप जो ट्रिप से उसे आप रीसेट भी कर सकते हो। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको ना ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। मोबाइल से कनेक्ट करके आपको यहाँ पर कॉल, SMS अलर्ट, नोटिफिकेशन, मैसेजेस सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपके फ़ोन में कितनी बैटरी है वो भी यहाँ पर आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त बात हो जाती है। और यहाँ पर आपको नेविगेशन तो मिलने वाली है, GPS नेविगेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त फीचर हो जाती है। साथ ही इसी कुछ वार्निंग लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल, और यहाँ पर आपको ABS की लाइट देखने को मिल जाने वाली है। और एक बार मैं आपको फिर से ऑन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख लो इंजन मैलफंक्शन की लाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और एक बार आप इसकी की भी चेकआउट कर लो, ये आप चेकआउट कर लो, हीरो की ब्रांडिंग के साथ आपको नॉर्मल से यहाँ पर की देखने को मिल जाने वाली, क्योंकि गाइस ठीक है अगर वेव की होती है तो ज़्यादा प्रीमियम लगती है, ऐसे है तो ये प्रीमियम ही मॉडल, अगर वेव की होती है तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है। सो अब बात कर लेते हैं ना गाइस इसमें आपको क्या माइलेज देखने को मिल जाता है, क्या टॉप स्पीड एंड इसकी प्राइसिंग मेन तो है ना, इसमें आपको प्राइसिंग क्या देखने को मिलने वाली है 2024 में। तो पहले माइलेज की बात करें तो यहाँ पर आपको आराम से 45 से लेके 46-47 तक ये माइलेज दे देगी बिना किसी दिक्कत के। आराम से भी चलाओगे ना या फिर थोड़ी सी रेव करके भी चलाओगे तो आराम से वो माइलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अब बात करें गाइस इसके टॉप स्पीड की, तो वो भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली, 115 से लेकर 120 तक ही आराम से चले जाती है बिना किसी दिक्कत के। और आप लोग तो लॉन्डो है ना गाइस, खींचना भी चाहो तो आराम से इसे खींच के 125 तक भी लेके जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। यानी पावर, लुक्स, परफॉर्मेंस, फीचर्स सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है, जो कि काफ़ी मस्त बात है। अब बात कर लेते हैं ना गाइस इसके प्राइसिंग की, कि अभी आपको रांची में क्या प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है। एक शोरूम ऑन रोड दोनों प्राइसिंग बताऊंगा, तो चिंता नहीं करने का, ठीक है। एक शोरूम प्राइस की बात करें गाइस रांची की, तो आपको देखने को मिल जाएगी 1,37,600, और ऑन रोड प्राइस की बात करें रांची की, तो आपको देखने को मिल जाएगी 1,65,380, जो कि काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है। और इस सेगमेंट में ना गाइस सबसे लाइटेस्ट आपको ये बाइक देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त बात हो जाने वाली है। और ये जो बाइक है ना गाइस अभी आपको ऑटो बाइक्स में देखने को मिल जाने वाला है। तो शोरूम की सारी क्वांटिटी डिटेल्स अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आप बताना गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको 2024 हीरो एक्सट्रीम 160R का ये प्रीमियम वाला मॉडल, जिसमें आपको नियन ग्रीन के आपको यहाँ पे इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी मस्त लगती है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और ये बाइक। अब वीडियो अच्छी लगी हो, बाइक अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर देना गाइज, और अपने दोस्तों पर शेयर भी कर देना, ठीक है। अब मेरे जितने भी नए भाई ये वीडियो देख रहे हो ना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो ना गाइस बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन फील होती है। तो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस।